इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर काफी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। कौन वायरल हो रहा है? वड़ा पाव गर्ल्स, दिल्ली का वड़ा पाव गर्ल। जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वड़ा पाव गर्ल तो इनका वीडियो आ जाएगा। बहुत तेजी के साथ में दोस्तों इनका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल दोस्तों इसलिए इनका वीडियो ऐसा हो रहा है क्योंकि इनका बात करने का तरीका जो है ना थोड़ा सा कैजुअल है। हफ्ता तो लेंगे ना पुलिस वाले, रात कहते हैं ना लड़कियों के फेम तुम्हारी है, दो दिन नहीं खड़ा हो पाएगा, दो दिन मेरी लाइफ नहीं जी पाएगा जो मैंने जी। आज भाई को दिख रहा है 350 गज की कोठी छापेगी, आपेगी तो बहन मेहनत करके छापेगी ना, तेरे क्या दिक्कत जा रही है? रिश्तेदारों को बदलते हुए देखा, सबको छीनते हुए देखा, रोटी के लिए लंगरों में लगते हुए देखा, खुद को सब खोके मिला। आसान तो था ही नहीं मेरे लिए। मेरी जगह से हटा दिया, फिर दूसरी जगह गई, फिर हटा दिया। मैं मानती हूं बार बार मेरी हिंदी रोटी को आप कह दोगे कहीं भी खड़ी कर ले तो वो मैं नहीं कर सकता। बहुत मेहनत तो चला रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 10 दिन की भीड़ है, 1.5 महीने हो गए, भीड़ खत्म होने का नाम नहीं। लोगों को काफी अच्छा लग रहा है इनको बात करने का तरीका। काका से लोग जा रहे हैं दिल्ली इनके पास वड़ा पाव खाने के लिए। वड़ा पाव खाना तो एक बहाना है, बस लोगों ने जा रहे हैं सारे जो आप लोगों को दिखा दे नहीं सारे यूट्यूबर है ताकि वो भी फेमस हो जाए। इससे पहले वो धोनी टपरी चाय वाला काफी फेमस हुआ था, वो भी चाय पिलाते पिलाते दुनिया का सबसे अमीर इंसान को उसने चाय पिलाया था। चाय पिलाते पिलाते दुबई पहुंच गया हो, पहले वो फेमस हुआ अभी ये फेमस होगी, और इन दोनों ने मिलकर साथ में वीडियो भी बनाया दोस्तों। तो हाय गाइस, मैं हूं नागपुर का डोली चाय वाला, मैं हूं दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल। मैं आज हूं दिल्ली में और दिल्ली में मैंने बहुत नाम सुना हूं कि दिल्ली का वड़ा पाव की जो दीदी जो काम करती है, वड़ा पाव जो आप लोगों को खिलाती है, इतनी मेहनत करके आगे बढ़ी है, क्योंकि ये दीदी का जो काम है और जो मेरा काम है, दिन भर खड़ा रहता हूँ लोगों को चाय पिलाता हूँ, और ये अपनी मेहनत से बनी। हम लोग हमारे लिए कोई छोटा और बड़ा काम होता नहीं, हम मेहनत करके आगे बढ़े हैं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सीरियसली ये मेरे अभी रोल मॉडल है क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है जो भी फिलहाल मैं फेस कर रही हूँ, और भाई से मोटिवेशन लेना मतलब अगले लेवल पे फीलिंग आना, और मेरा बहुत बड़ी किस्मत है कि मैं इनसे मिल सकी। और जैसे मुझे पता पड़ा कि भाई मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं थोड़ी से ले आई, बिल्कुल कुछ नहीं सोचा मैंने। सबसे पहले YouTube पर दोस्तों मैंने इनका एक वीडियो देखा था, ये रोते हुए मुझे दिखाई दे रही थी तो मेरे को काफी बुरा लगा यार। जब मैंने इनका वीडियो देखा तो ये दोस्तों एक्टिंग कर रही थी, वड़ा पाव बेचते बेचते वायरल हो चुकी, चाय पिलाते पिलाते वायरल हो गए, कोई भी वायरल हो जा रहा है, बस एक हम ही बचे हुए जो वायरल नहीं हो रहे। होगा होगा, ये दुख भी खत्म हो जाएगा, आप लोगों ने सपोर्ट दोगे तो ये दुख भी खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे।